स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E लॉज ऑफ मोशन से, जो कि चैप्टर 3 है आपका क्लास 9 से। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का लॉ क्या है न्यूटन का? दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि कोई दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए है, पार्टिकल यहां पे बी है। इन दोनों के बीच में इनको कहां रखा गया है? एक डिस्टेंस पे रखा गया है, ये रहा इनका डिस्टेंस आर, डिस्टेंस पे इनको रखा गया है। तो इनके बीच में जो इनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ये पहला वाला जो दूसरे पे लगा रहा है और ये जो दूसरा वाला पहले पे लगा रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसके अलावा और क्या कह रहा है? ऑल्सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो यहां से इन दोनों रिलेशनशिप से हमको ये मिलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन इनवर्सली, ये क्या हो जाएगा आपका, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पे हम लोग करते क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अगर इक्वल करना होता है तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट में के लेते हैं, तो यहां पे कांस्टेंट हमारा क्या होगा, जी होगा, इनटू एम वन इनटू एम टू अपॉन में आर का स्क्वायर। और यहां पे जो आपका जी है, जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का एंड इज नोन एज, और इसको क्या माना जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो वैल्यू है ना पूरे यूनिवर्स में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है आपकी, यहां क्लियरली लिख देता हूं, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो यहां पे जैसे मैग्नेट्स के बीच में फोर्स होता है अपोजिट पोल्स के बीच में या सिमिलर पोल्स के बीच में, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्जेस के बीच में, तो वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमने पढ़ रखा है कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो यहां पे एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, दो बॉडीज जो कि सेपरेटेड हैं m1 एंड m2 r से, उसका फॉर्मूला होगा आपका f इज इक्वल टू g m1 इनटू m2 अपॉन में r का स्क्वायर। g क्या है? g आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 और m2 क्या है? वो दोनों बॉडीज हैं जो कि मासेस हैं उनका m1 m2, और r स्क्वायर क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
दो मास के बीच में, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है मासेस के बीच में, उस पर कैसे डिपेंड वो डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम, यानी कि एफ इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका। अब देखो इसको यहां पे आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस अफेक्टेड इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से अफेक्टेड होगा अगर उनके बीच में जो सेपरेशन उसको डबल कर दिया गया। तो हमको क्या पता है कि सिंस वी नो दैट कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर के। तो अगर आर है तो रिलेशनशिप क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। और अगर हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन टू आर है तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू आर स्क्वायर के। ठीक है, अब हमको क्या करना है, निकालना है वैल्यू। तो जो फोर्स होगा 2r पे, इसको कंपेयर कर देंगे फोर्स जो लगेगा हमारा r डिस्टेंस पे उससे। इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में r स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1 बाई 4 आर स्क्वायर, और ये 1 बाई आर स्क्वायर। तो 1 बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाई 4 आ जाएगा। यानी F ये नया वाला या कह सकते हो 2R रखने पे, अपॉन में F इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 बाई 4। तो यानी कि हमको 2R डिस्टेंस पे कितना फोर्स होगा वो निकालना है। तो क्या कर देंगे, 1 बाई 4 और F इधर कर देंगे, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिड्यूस टू 1/4 इफ डिस्टेंस इज डबल्ड। ठीक है, डिस्टेंस डबल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेपरेशन अगर डबल कर देंगे, डिस्टेंस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सेपरेशन, सेपरेशन अगर डबल कर देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा 1/4 पे। डिफाइन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, क्या होता है ये? तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में, ऑफ मास 1 kg, दोनों का मास 1 kg हो, प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 1 meter, और 1 meter की दूरी पे दोनों को रखा गया हो। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जो वैल्यू होगी वही आपकी जी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी विथ इट एसआई यूनिट। तो कितनी वैल्यू है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जी की, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई क्या ही फायदा है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है इस ग्रेविटेशनल लॉ का। दिस लॉ हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। क्या करने में मदद करता है, समझने में मदद करता है प्लैनेट्स के मोशन को अराउंड द सन, कि किस तरह से सूरज की चारों तरफ घूम रहे हैं, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि कैसे मून रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूट कर रहा है चारों तरफ अर्थ के, एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, इनके भी मोशन को समझने में मदद करता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो इसीलिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या समझते हो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी से? तो ये वो फोर्स है जिससे अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट्स अ बॉडी, इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी। तो द फोर्स जिससे क्या कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है बॉडीज को अपनी तरफ, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर।
तो वही फोर्स जो बॉडी पे लग रही है, तो बॉडी पे क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन इट। एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लिखना है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक बॉडी पे, और मास उस बॉडी का कितना है m, और एक्सप्लेन करनी है मीनिंग भी सिंबल्स जो यूज हुए हैं उसके। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, f इज इक्वल टू जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये हमको मालूम है। एक्चुअली में फोर्स क्या है, वही वेट ही है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से है, केवल ग्रेविटी की वजह से है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है। यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लेंगे, ग्रेविटी जी ले लेंगे, इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अभी बताते हैं सबकी वैल्यू। ये एक्चुअली में जो कैपिटल एम ले रहे हैं, ये मास है अर्थ का, एम ई लिख सकते हैं, ये मास है बॉडी का, बी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट कोई भी हो, अर्थ हो तो अर्थ है आपका अपॉन में, यहाँ अर्थ के लिए है तो अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आर क्या है, एक्चुअली में रेडियस है किसका, अर्थ का। ठीक, क्या लिखेंगे अब यहां पे, जी क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताना था ना क्या क्या वैल्यू सिंबल्स हैं, ये आपका हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर एम क्या था आपका, मास ऑफ अर्थ है कैपिटल एम, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एक जो स्मॉल एम है उसको तो पहले ही दिया हुआ है, ऑफ बॉडी ऑफ मास एम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिफाइन करना है इस टर्म को और इसकी एसआई यूनिट लिखनी है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, फोर्स तो लग ही रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज ओनली कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द एवरेज वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस। एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर कह सकते हो सिंपली 9.8 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रिलेटेड टू इट्स मास एंड रेडियस। तो बताना है आपको कि कैसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस पे अर्थ के, वो रिलेट करती है मास और रेडियस से। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेशन, वही चीज यहां पे भी करनी है। रिलेशन क्या है, ग्रेविटी इज इक्वल टू जी यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो देयरफॉर यहां से क्या होगा, यहां पे देख रहे हो कि जो जी है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर द मास of earth greater is gravity। पूछा है ना कि कैसे डिपेंड करता है, हाँ तो greater the mass of earth greater is the gravity। जी जी तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ना, जितनी है उस इतना ही रहेगा, तो जितना मास ज्यादा होगा उतना ही ग्रेविटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ आर स्मॉल जी यानी ग्रेविटी वाला और कैपिटल जी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट वाला, ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो सेम आप लिख दोगे, k
कि ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट जी इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ऐसे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज द ग्राउंड इन टाइम टी। एक बॉडी है फॉल करती है फ्रीली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और वो फॉल करिए कहाँ से, रेस्ट से, और ग्राउंड पे पहुँचती है टाइम टी में। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट फॉलन बाय द बॉडी। अब यहाँ पे तुमको हाइट के लिए, हाइट यानी वही डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक रिलेशनशिप लिख के देना है, एक एक्सप्रेशन लिख के देना है आपको। तो कैसे लिखोगे कि व्हेन बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, इसको देखो यहां हम ब्रैकेट में लिखते हैं आपको समझाने के लिए। तो एक्चुअली में ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, तो ut प्लस हाफ ये gt स्क्वायर लिख देंगे। एक्चुअली में ये कहां से आया है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आया है, ठीक है, है ना। एक्सेलरेशन की तरह की जगह पे क्या हो गया, आपका ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इन टाइम टी। अब एज द बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ये देखो क्वेश्चन लगाने में भी काम आएगा ये वाला, कैसे, क्योंकि बॉडी अगर फॉल कर रही है रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो एच इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी ये एक्सप्रेशन और सिंपल हो गया, सिर्फ एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कब ट्रू है, जब बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू। बॉडी को कहाँ फेंका गया, ऊपर फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। राइट एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट, के मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे, अच्छा मैक्सिमम हाइट जो अचीव की उसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। अब वहां नीचे आ रही थी, अब यहां से ऊपर को जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, बॉडी स्टॉप हो जाएगी। क्या लिखेंगे, एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी जीरो। भाई इनिशियल किसी स्पीड से गई है, ऊपर जाते जाते रुकेगी ना, रुकने के बाद फिर नीचे आएगी ना, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे देयरफॉर वी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, और क्या दिया हुआ था, और बाकी चीज ऐसे ही रहेंगी। एस की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे एच लिखना है, वो तो पता है आपको, बस बताने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एच होता है तो टू जी एच हो जाएगा, ठीक है, इससे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एच था, तो एस की जगह पे एच हो गया, एक्सेलरेशन की जगह पे जी का है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। अब यहाँ पे देखो नीचे डाउनवर्ड लगती है ना, तो पॉजिटिव साइन, और अपवर्ड अगर एक्ट कर रही है तो नेगेटिव साइन लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, अपवर्ड जा रहा है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी एच, यानी कि एच माइनस माइनस कैंसिल भी कर दो, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर, और नीचे ले जाएंगे टू जी को अपॉन टू जी, तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डिफाइन द टर्म मास एंड वेट, इसको डिफाइन करना है मास को और वेट को। मास एक्चुअली में क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज इट्स मास, और मास क्या है, हमेशा इसीलिए कॉन्स्टेंट रहेगा, चांद पे चले जाओ कहीं भी चले जाओ, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो सेम ही रहेगा हर जगह पे। वेट वैसे क्या होता है, तो वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज फोर्स, वो फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट,
कि अर्थ उसको किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसको वेट बोलते हैं। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेट क्या होगा, एज ग्रेविटी चेंजेस तो वेट भी आपका चेंज होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो मास अभी देखा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। वेट क्या होता है, फोर्स होता है जिससे कि बॉडी अट्रैक्ट करती है, बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है बॉडी, है ना, टुवर्ड द अर्थ या फिर कह सकते हो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है मास जो बदलने वाली नहीं है। वही वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे जी है पोल पे बढ़ जाता है तो वहां पे आपका वेट भी बढ़ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है आपका ये मास, आपका ये जो वेट है वो उसका जो यूनिट है वो है न्यूटन, जबकि मास का यूनिट है केजी। इसको नापने के लिए मास को इस्तेमाल करते हैं बीम बैलेंस, और वेट को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को। और किसी भी जगह पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती मास की, मास कांस्टेंट रहता है, कभी भी कहीं पर भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। जबकि सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओगे ना तो वेट वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड वेट। अरे भैया यही तो देखा, इसका ये केजी है और इसका न्यूटन है, ठीक है, तो किलोग्राम और इसका न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। कितनी है वैल्यू, जी जीरो है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम केजी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अरे भैया जो जी जीरो है तो वेट कितना आएगा, सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी एट सेंटर ऑफ अर्थ g is equal to 0, therefore w is equal to m into 0 is equal to 0, therefore weight of body will be 0। कितना होगा वेट बॉडी का, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज बाय द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अ बॉडी। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो जगह के बदलने से चेंज नहीं होती, मास या फिर वेट। तो अभी हम ऊपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वेट बदलेगा क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू बदलेगी, लेकिन मास हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मास कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो वेट है बॉडी का वो कैसे दिया जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी से दिया जाता है, ठीक। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पोल पे अलग इक्वेटर पे अलग, तो वेट ऑफ बॉडी ऑल्सो वेरीज, इसीलिए वेट भी जो है बॉडी का हमेशा जी की वजह से वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो मास है आपका वो मास वो हो क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जो कि किसी बॉडी में होता है, और इसीलिए कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक जगह पे पूरे यूनिवर्स में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब बताना है, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, कोई बॉडी है जिसका मास 1 किलो है, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ विथ अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन। ठीक है, यानी 1 kg का अगर कोई बॉडी है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा कितने फोर्स के साथ, 9.8 न्यूटन के फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा। अब आते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, हाँ होता है,
ठीक है, बस ये मिल गया आंसर, द वैल्यू ऑफ जी इज। तो चार ऑप्शन है आपके पास, 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 6.7 इंटू 10 पे पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या 6.7 इंटू 10 पे पावर -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 6.7 न्यूटन पर केजी। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ईच ऑफ 1 kg kept at a सेपरेशन ऑफ 1 meter इज। पहला ऑप्शन था 9.8 न्यूटन का, दूसरा ऑप्शन था 6.7 न्यूटन का, तीसरा है 980 न्यूटन का, चौथा है 6.7 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन का। तो आपको बताना है कि ये कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा। 1 kg का दोनों मास है और 1 meter पे रखा गया है, तो ये वैल्यू ऑफ जी के लमसम आएगा, यानी 6.7 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। सिंस एफ इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन में आर का स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर रहने दो, वजन 1 इंटू 1 का, रेडियस 1 का स्क्वायर, देखो क्या ही बचा, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन बचा। तो इसीलिए आंसर कौन सा सही है, थर्ड का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया, विथ इनिशियल वेलोसिटी वी, शुरुआती वेलोसिटी क्या थी, यू थी, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया है, टाइम बताना है फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर, तो कितने टाइम तक के लिए वो हवा में बॉडी रही। पहला यू अपॉन जी, दूसरा ऑप्शन है यू जी, तीसरा ऑप्शन है टू यू अपॉन में जी, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका यू अपॉन में टू जी। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले हम लोग देखते हैं। आपको मालूम है v माइनस यू इज इक्वल टू at होता है, तो यहाँ पे लगेगा आपका gt। अच्छा, तो उसको ऊपर फेंक दिया गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो कितने टाइम तक वो जो है कि वो हवा में रहती है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, v माइनस ये तो u का u ही रहेगा, g कैसा लेंगे हम लोग, माइनस g लेंगे क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक, इंटू t, तो कितना आएगा माइनस u अपॉन में माइनस g इक्वल टू t। इतने टाइम तक के लिए तो सिर्फ ये सोचो कि वर्टिकली वो अपवर्ड यहाँ गई, फिर उतना ही टाइम वो लेगी नीचे आने में, तो यानी कि t इज इक्वल टू यू अपॉन में जी होगा और ये जाने का होगा, तो टोटल, तो एक मिनट, रिटर्न होने में, रिटर्न जब होगी ग्राउंड पे, है ना, रिटर्न होगी जब ग्राउंड पे, तो भी क्या करेगी वो टाइम तो लेगी ना फिर नीचे आने का, क्योंकि हवा में रहने की बात किया, तो जब ऊपर फेंका तो भी हवा में, फिर ऊपर मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो भी हवा में है, तो रिटर्न करेगी जब ग्राउंड पे, तो दूसरा जो टाइम लगेगा वो भी आपका यू अपॉन जी ही होगा, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा इज इक्वल टू टू यू अपॉन में जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट रीचेज द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है रेस्ट पोजीशन से और ग्राउंड पे पहुंचता है 2 सेकेंड में, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी, किस वेलोसिटी के साथ जो ऑब्जेक्ट है नीचे ग्राउंड से टकराएगा। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस देखे हुए हैं, वी माइनस यू इज इक्वल टू at होता है, तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो g लग जाएगा, v कितना है यहाँ पे,
हमको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड का लगा है। तो जी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी कर देंगे। क्या निकालना था हमको, वी निकालना था, एक मिनट। तो हम वी के, वी निकालने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो वी इज इक्वल टू जी टी प्लस यू हो गया। जी कितना है 9.8, टाइम कितना 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कितना आ गया 19.6 आ गया। चार ऑप्शन थे आपके पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन था 4.9 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन था आपके पास 19.6 मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन था जीरो। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अब सॉल्व करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एट अ सेपरेशन इज 10 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू पहले से दे दिया है, 10 न्यूटन है दो बॉडीज के बीच में। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, अगर उनके बीच में जो सेपरेशन है वो हमने हाफ कर दिया। तो लेट द सेपरेशन बी आर, मान लो कि सेपरेशन आर है। तो यहां पे F1 पहले केस में 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। R डिस्टेंस पे दो बॉडीज, यहां पे R डिस्टेंस पे अगर एक दूसरे से दूर हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 न्यूटन का है। आपको मालूम है कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां पे 10 न्यूटन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाता है, r बाय 2 हो जाता है। तो अब ये मेरा f2 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r बाय 2 स्क्वायर के। ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी, f2 1/r² और ऊपर में हो जाएगा 4। अब यहां से कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर जब हम करेंगे f1 अपॉन में f2, तो क्या लिखेंगे, 1/r² ये f1 के लिए और f2 के लिए 4/r² हो गया। अच्छा ये f1 की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन अपॉन में ये f2 हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो गया, कितना बचा 1/4। तो f2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जा रही है, 4 × 10 यानी कि 40 न्यूटन। ऐसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि जब डिस्टेंस को डबल करते हैं तो 1/4 हो जाता है, तो डिस्टेंस को भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि सेपरेशन तो यहां पे आर ही लेंगे, F1 कितना है 10 न्यूटन, तो यानी कि सिंस F1 कितने के इक्वल है, जी M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर के, और ये एक्चुअली में है कितनी 10 न्यूटन। तो 10 इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर। अब F2 के लिए अब R2 है, R2 कितना है, R बाय 2 है, तो F2 कितना हो जाएगा, जी M1 M2 अपॉन में R बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी कितनी आपकी, 4 जी M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर बाय 4 F2। यहां बगल में कर लेते हैं, तो F2 इज इक्वल टू
4 इंटू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। 4 इंटू कितना हो जाएगा, अच्छा ये जी एम वन एम टू की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर की, ये 1 से लेके आ जाते हैं 10, यहाँ लिख दो आप फ्रॉम फर्स्ट हम लेके आए इसकी वैल्यू कितना आ जा रहा है 40 न्यूटन एफ टू की वैल्यू। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर लो, ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप प्रोपोर्शनैलिटी से कंपेयर करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड। आपको यहां पे बताना क्या है, वेट बताना है जिस बॉडी का मास है 5 kg, मास कितना है 5 kg, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लमसम कितने के इक्वल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। वेट होता क्या है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी यानी मास इंटू ग्रेविटी यानी 5 × 10 कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। एजम्पशन क्या है, अप्रोक्सीमेट वेट था ना, तो एजम्पशन हमने क्या लिया है, एजम्पशन हमने लिया है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इन किलोग्राम फोर्स एंड न्यूटन, टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है। अच्छा 1 किलोग्राम फोर्स क्या फोर्स होता है, 1 किलोग्राम फोर्स वो होता है जो जिस फोर्स के साथ 1 kg के बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा किलोग्राम फोर्स में 10 किलोग्राम फोर्स, 1 kg के बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है वो है 1 किलोग्राम फोर्स, तो 10 kg के लिए कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम फोर्स, ये सिंपली बस डायरेक्टली कर दिया इसको ऐसे। वही बात करें वेट ऑफ बॉडी की न्यूटन में निकालने के लिए, तो मास इंटू ग्रेविटी, मास कितना है 10 kg और ग्रेविटी है 9.8, कितना आ जाएगा आपका 98 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, जी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है आपको, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा, यहां पे मास दिया हुआ है 5 kg का, तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी 5 × 9.8 कितना आएगा आपका 49 न्यूटन आ जाएगा। और डायरेक्शन आपको बताना है तो होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कैसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल सीधा सेंटर की तरफ अर्थ के। क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ बॉडी इज 2 न्यूटन, वेट कितना है 2 न्यूटन का, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। अब यहां पे आपको पता है कि W इज इक्वल टू एम इंटू जी, डब्ल्यू की वैल्यू यानी वेट दी हुई है 2 न्यूटन, मास नहीं पता, ग्रेविटी भी 10 दी हुई है, तो मास इज इक्वल टू 2/10 यानी कि 1/5 kg या कह सकते हो 0.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन, अर्थ पे कितना वेट है
98 न्यूटन है, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वॉट विल बी इट्स मास एंड वेट ऑन द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना होगा बताओ, अर्थ पे बॉडी का वेट है 98 न्यूटन, तो यहां पे वेट है 98 न्यूटन और जी की वैल्यू है हमारे यहां अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास एक्चुअली में हमको पता नहीं है, मास निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, मास यहां पे गायब है तो पहले मास निकालेंगे. वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, तो वेट कितना है 98, मास नहीं पता और ग्रेविटी 9.8, तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 अपॉन में 9.8 और ये कट जाएगा, आएगा कितना सिर्फ 10, तो ये कितने आएगा 10 kg. अब चांद का निकालना है ना तुम्हें, तो अब चांद पे है क्या आपका, चांद पे जो जी की वैल्यू है वो जी की वैल्यू कितनी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. मास मिल चुका है 10 kg है, तो वहां पे वेट कितना हो जाएगा आपका, मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून 1.6 इंटू 10 यानी कि 16 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, वॉट वुड बी हिज अप्रोक्सीमेट वेट ऑन मून. 600 न्यूटन उसका वेट यहां पे है, तो अप्रोक्सीमेट वेट मून पे क्या होगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो वेट यहां अर्थ पे कितना है 600 न्यूटन है और आपको पता है कि सिंस वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देयरफोर वेट ऑफ मैन ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ हिज वेट ऑन अर्थ. तो देयरफोर कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 600 यानी कि 100 न्यूटन आएगा चांद पे उसका वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है और वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg और जी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है. मास गिवन है 10.5 kg, जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स विथ विच द मास इज बींग पोल्ड बाय अर्थ और ये इक्वल होता है किसके, एम इंटू जी के. तो मास कितना दिया हुआ है हमारा 10.5 और जी की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 105 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड. बॉल को रिलीज किया गया एक ऊंचाई से और 3 सेकेंड में बॉल पहुंची है ग्राउंड पे. जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड करो हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज रिलीज, किस हाइट से बॉल को रिलीज किया गया था.
और इसके अलावा द वेलोसिटी विथ विच द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस स्पीड के साथ वो स्ट्राइक की ग्राउंड को। एक हाइट से, यहाँ पे एक हाइट से बॉल को ऐसे रिलीज किया जाता है, ठीक है, नीचे ग्राउंड की तरफ। जी की वैल्यू तो दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या है, टोटल आपका हाइट है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वहां से रिलीज किया जा रहा है ना, ठीक है। तो एज द बॉल इज फॉलिंग डाउन, यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। हाइट हमें पता करनी है, जी की वैल्यू है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी है, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो नीचे पहुंची है। तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगना चाहिए, लेकिन 0 × t करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कितना है, 0 है। तो यहां पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर ये वाला स्टेप लिख के u की वैल्यू 0 पुट करके टाइम 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई करके 0, तो भी लास्ट में बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर ही। तो हाफ g की वैल्यू 9.8 × t² यानी 3 × 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से ये 4.9 टाइम्स में आएगा। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, कितना आएगा 44.1 मीटर। इतनी ऊंचाई से बॉल को ड्रॉप किया गया। अच्छा, नीचे आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 9.8, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड का, कितना आंसर आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी के साथ वो टच की ग्राउंड को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास ऑफ 5 kg इन योर हैंड, कितना फोर्स आपके मसल्स को चाहिए, कितनी जरूरत है उसको, ताकि वो एक 5 kg का मास होल्ड करके रख सके। स्टेट द एजम्पशन, जो एजम्पशन आप लेंगे वो आपको यहां पे बताना भी है। मास कितना है 5 kg का, ठीक है। 1 kg फोर्स कितना होता है 9.8 न्यूटन के, और यही इक्वल होता है फोर्स ऑन 1 kg मास। एक्चुअली में अर्थ जितना फोर्स लगाता है ना 1 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम लोग 1 kg फोर्स कहते हैं। टू होल्ड 1 kg मास, फोर्स नीडेड कितना है इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर kg। यही ना आ रहा है भाई, 9.8 न्यूटन पर kg हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। एक्चुअली यहां मास कितना है 5 kg, तो यहां से लिख लो टू होल्ड 5 kg मास, 5 kg के लिए कितना चाहिए, फोर्स नीडेड इज इक्वल टू 5 × 9.8, कितना आ जाएगा 49 न्यूटन। इतना फोर्स हमारे मसल्स को चाहिए। एजम्पशन, एजम्पशन क्या लिया हम लोगों ने, कि जी इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर kg, यही हमारा एजम्पशन था। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल को फेंका गया, इट गोज टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर तक जाती भी है, देन रिटर्न्स, वापस भी आती है कहां को, ग्राउंड को। टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को फेंका गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, द टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल।
ठीक है, तो बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया जो कि मालूम नहीं है। जी कैसा लगेगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। और ये हाइट कितनी हाइट तक गया है, 20 मीटर तक गया है। V की वैल्यू जीरो, U की निकालनी है, हाइट 20 मीटर और G -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग U की वैल्यू किससे निकालें, V स्क्वायर U स्क्वायर, G है H है, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2GH से निकाल लेते हैं। 0 - u² = 2 × -g - g मतलब -10 × h = 20, तो माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2 × 400, वो भी माइनस का, माइनस माइनस दोनों साइन कैंसिल दोनों साइड, u इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, अंडर रूट 400, दैट इज इक्वल टू 20। तो इनिशियल स्पीड से जो फेंका गया उसको वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। आपका क्या किया गया है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ये तो ऊपर फेंका गया, अब ये वापस से बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो आपको बताना है कि कितना होगा। अब ये देखो, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे आने पे हमको नहीं पता, यही निकालना है। डाउनवर्ड में जी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कितनी ऊंचाई से बॉल को गिरना है, 20 मीटर से। अगेन लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, और यहाँ पे वी स्क्वायर हमको निकालना है -0 इज इक्वल टू 2 × 10 × हाइट कितनी है 20। V स्क्वायर भी कितना आ गया, 400, यानी V की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब इसके अलावा एक और चीज निकालनी थी हमको, टाइम निकालना था। तो टाइम कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो स्पेस नहीं है, नीचे कर दे रहे हैं। When ball was dropped, उसी क्वेश्चन का है, जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल जीरो, टाइम आपको नहीं पता, कितने हाइट से गिर रही थी, 20 मीटर ऊपर गया था तो 20 मीटर से नीचे आ रही थी, हाइट इज इक्वल टू हाफ GT² भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT², तो वही बताया ना, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो वो इनिशियल ले लिए U इक्वल टू जीरो, तो नीचे आ रही है जब बॉडी, तो U इंटू टी जीरो हो जाएगा, तो हाफ GT² डायरेक्ट लगा देते हैं। 20 मीटर की ऊंचाई है, 1/2 है, G की वैल्यू 10 है और T² 2 × 1 = 2 × 5 = T² इज इक्वल टू 20/5, तो T² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, T की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। लेकिन ये टाइम नहीं होगा टोटल, सिंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितने टाइम में ऊपर जाएगी उतने टाइम में नीचे आएगी, तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा आपका, 2 + 2 यानी कि 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लगेंगे पूरा ऊपर जाने में वापस नीचे आने में। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के ऊपर से बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको यहां पे निकालनी है, ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, इनिशियल स्पीड
जीरो, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यह है फाइनल वेलोसिटी। हाइट आपको पता है, हाइट ही तो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यू जी वी है, टी स्क्वायर वाला नहीं निकाल लगा सकते, टाइम पता नहीं है, तो यहां हम लगाएंगे 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 इंटू जी की वैल्यू दैट इज 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 0, अच्छा इंटू h भी तो है, तो h इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा 220 जा, हाइट कितनी आ गई बिल्डिंग की, बिल्डिंग की हाइट आ गई आपके 20 मीटर की, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल फेंका गया, इट रिटर्न 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लगे बॉल को वापस आने में, कैलकुलेट करो द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल, सबसे ज्यादा ऊंचाई तक कहां तक पहुंचा और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब जैसा कि यहां पे टाइम 6 सेकेंड का दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि सिंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो देयरफॉर टाइम टेकन फॉर डाउनवर्ड मोशन इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेकेंड, टोटल टाइम 6 सेकेंड लगा तो आने में 3 सेकेंड, ऊपर जब फेंका जा रहा था तो भी 3 सेकेंड लगा होगा उसको मैक्सिमम में पे पहुंचने में, टाइम 3 सेकेंड आ गया, मैक्सिमम हाइट कहां तक गई पता नहीं, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेकन फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन में देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट के बाद बॉल नीचे आएगी तो यू इक्वल टू 0, वी हमको नहीं पता लेकिन इससे मतलब भी नहीं है, यहां पे हाइट हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे टी है, जी है, एच है, हाँ तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और यू 0 है, यू इक्वल टू 0, तो यहां फॉर्मूला लगेगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वही यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे तो यू इंटू यू का वैल्यू कितना है 0, तो टाइम से मल्टीप्लाई होके वो 0 आ ही जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्टली ये यूज कर रहे हैं और ये हम लोगों ने वहां पे एक्सप्रेशन भी ये डिराइव किया था, तो ये याद रखना है हमको, कितना आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, 2 1 5 3 15 3 45 मीटर, ये आ गया, तो ग्रेटेस्ट हाइट यही अचीव हुई, ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड इज इक्वल टू 45 मीटर, इतने हाइट तक मैक्सिमम गई। अब क्या बताना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, किस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया, तो देखो जब फेंका जा रहा है तब का फाइनल वेलोसिटी मान लो 0, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता जिससे उसको फेंका जा रहा था। अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं, अपवर्ड मोशन ले रहे हैं, है ना, जब उसको फेंका जा रहा था बॉल को, हाइट हमको पता ही है 45 मीटर का जाएगा, उससे वैसे कोई मतलब नहीं है, जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम कितना लगा 3 सेकेंड का टाइम लगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू जी टी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, कितना आएगा, यू की वैल्यू नहीं पता,
वी की वैल्यू जीरो हो, चलो ठीक है, यू नहीं पता, जी की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन 10 ऐसे नहीं लिखेंगे, माइनस का 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन है, इनटू टाइम कितना है 3, तो यू माइनस 30 इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड, इसी वेलोसिटी के साथ बॉल को ऊपर फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 14, अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। पेबल थोड़ा सा गोल पत्थर फेंका गया ऊपर है ना, और उसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद वो कितने हाइट पे रहेगा। तो यहां पे पेबल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो जी कितना होगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। टाइम कितना लिया गया, 2 सेकेंड का टाइम पूछा जा रहा है, 2 सेकेंड बाद वो कितनी हाइट पे जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड की, सब कुछ दिया हुआ है, हाइट हमको नहीं पता है। हाइट के लिए यहां क्या लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पे इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, बल्कि इनिशियली स्पीड है इसके पास। 20 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 10 इंटू, अच्छा ये माइनस 10 यहां भी रखना होगा, माइनस 10 ठीक है, इंटू टी स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 2 से 2 का मल्टीप्लीकेशन, 22 जा 40 माइनस 10 टू जा 20, कितना आएगा 20 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, 2 सेकेंड बाद वो किस हाइट पे होगा 20 मीटर ऊंचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ लॉन्ग विल स्टोन टेक टू फॉल, कितना देर लगेगा एक पत्थर को गिरने में ग्राउंड पे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई बिल्डिंग है, उससे नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड, और जब ग्राउंड पे वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये रहा जिसकी हाइट कितनी है 80 मीटर, ये बिल्डिंग है, यहां से स्टोन को गिराया जा रहा है, जी कैसा लगेगा, पॉजिटिव होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड निकालनी है जो कि हमको पता नहीं है। अच्छा टाइम ही निकालना है हमको यहां पे, जब सब कुछ यहां पे यू है जी है एच है और टी निकालना है, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल स्पीड कैसी है 0 है। हाइट ए टी इज इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू कितनी है 10, 2 1 2 5 इंटू टी स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर की वैल्यू निकाले कितनी आ जाएगी 80, या 5 इधर नीचे चला जाएगा 80/5 इक्वल टू हाउ मच 16, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू हाउ मच 4 सेकेंड, तो लो भैया कितने टाइम में नीचे आएगा 4 सेकेंड में नीचे गिर जाएगा। अब क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच, वी स्क्वायर हमको नहीं पता लेकिन यू स्क्वायर तो 0 रहा, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और हाइट कितनी थी 80 मीटर की, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 16 100, वी इक्वल टू अंडर रूट 1600 इज इक्वल टू हाउ मच 40 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी थी स्टोन की जब वो हिट करेगा ग्राउंड को। क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीचेज द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर, गिरा बिल्डिंग से और कितने टाइम बाद नीचे को आया 2.5 सेकेंड के बाद। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना
ऊंचा है और यहाँ पे जी की वैल्यू आपको बता दिया है। यही है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमको इसकी पता नहीं, बॉडी फॉल कर रही है, ऊपर से गिरी है, तो इनिशियल स्पीड जीरो। टाइम कितना लगा गिरने में, 2.5 सेकेंड का टाइम लगा है गिरने में। अब यहां पे यूज करो किसका, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर का। हाफ इंटू जी की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर यानी 2.5 इंटू 2.5, 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 4.9 टाइम में। 25-25 जो 625, 6.25, 4.9 इंटू 6.25 ये कितना आएगा, 30.625 मीटर आएगा, या फिर कह सकते हो 30.6 मीटर। ये हाइट है किसकी, बिल्डिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। काफी रफ्तार से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया और स्पीड कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड ये पता करना है, द टाइम टेकन बाई इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, दोबारा ग्राउंड को टच करने से पहले टाइम कितना लगा, वो टोटल टाइम भी आपको कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू भी लेनी है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी जब ऊपर फेंकी जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो, इनिशियल स्पीड तो दिया ही हुआ था कि 49 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका गया। जी की वैल्यू यहां पे माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगी, और कुछ यहां पे हाइट, हाँ यही तो हमको निकालना है। तो आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो उससे पहले यहां पे हम निकाल लें टाइम। टाइम निकल सकता है, टाइम कैसे निकलेगा, वी इज इक्वल टू u प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो इज इक्वल टू इनिशियल 49 प्लस जी, जी कितना होगा यहाँ पे माइनस का 9.8 इंटू टी, तो ये कितना आएगा माइनस का 49, इधर माइनस का 9.8 टी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 49 अपॉन में माइनस का 9.8, और ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये कितने टाइम्स में जाएगा 5, तो टाइम कितना लगा 5 सेकेंड का। अच्छा तो यहां पे अगर अपवर्ड मोशन 5 सेकेंड का है, तो सिंस यहां पे लिख देते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो देयरफॉर इट विल ऑल्सो टेक 5 सेकेंड टू कम बैक, यानी टोटल जर्नी अगर पूछे ना तो वो 10 सेकेंड का हुआ, ठीक है। टोटल यहां पे अगर टाइम पूछे तो टोटल टाइम टेकन 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगा टोटल। अब यहां पे आपको निकालना क्या था, हाइट निकालनी थी, तो हाइट के लिए कंसीडर करो कि यहां पे मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, अब वापसी की बात हो रही है, डाउनवर्ड फॉलिंग की बात हो रही है। तो डाउनवर्ड फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, हाइट पता नहीं, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ एक चीज पता चल गई, क्या 5 सेकेंड लगे हैं नीचे आने में, है ना, जितना जाने में ऊपर लगा उतना ही टाइम लगा नीचे आने में। फॉर्मूला लगा देंगे, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर वाला,
हाफ इंटू जी की वैल्यू 9.8 और टी 5 इंटू 5, 2 आंसर 2 4.9 जा 25 इंटू 4.9 करना है हमको, कितना आएगा 122.5 मीटर। और यहाँ ऐसा नहीं कि टाइम पहले निकाला उसके बाद इसको निकाला, अगर पहले चाहते तो भी यहाँ पे हाइट हमारी निकल जाती वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh से, इससे भी जो है हाइट आपकी निकल जाती अगर पहले ही निकालना होता तो। बस जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो, मेथड तो आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। ऊपर से भाई पत्थर गिरा या टावर से और ग्राउंड पे पहुंचा 4 सेकेंड में। टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कितना लेना है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, अब तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। ड्रॉप किया जा रहा है भाई फ्रीली, यू इक्वल टू 0, V नहीं पता, G पॉजिटिवली एक्ट करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट मेरे को पता नहीं जो कि निकालनी है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड का, ये सबसे मायने रखता है। अब यहां पे हाइट की वैल्यू क्या होगी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 0 इंटू टी, कहोगे एक बार भी किए नहीं उस तरीके से, डायरेक्ट हाफ जी टी स्क्वायर रखते जा रहे हैं, तो g की वैल्यू है 10 और t स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, 2 आंसर 2 2 जा, यही देखो वैल्यू 0 हो जा रही है इसीलिए डायरेक्ट हाफ जी टी स्क्वायर हर जगह लिख रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 4 2 जाए 8 80 हो जाएगा, कितना आ गया बिल्डिंग की हाइट भाई 80 मीटर, बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे टावर है, तो टावर की हाइट कितनी आ गई 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, अ पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ वेल, कुएं के अंदर फेंका गया छोटा सा गोल पत्थर, फ्रॉम इट्स टॉप, टॉप से ऊपर से फेंका गया, इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर द पेबल टू रीच द वाटर सरफेस इन द वेल, कितना गहरा कुआं था भाई, पानी निकलता है भी कि नहीं। टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, द डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस, अच्छा खासा डेप्थ आएगा। सेकेंड, द टाइम वेन इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड, और ये बताना है कि किस टाइम पे जो है कि इको सुनाई देगा जब उसको ड्रॉप कर दिया गया। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर डेप्थ ही निकालना पड़ेगा हम लोगों को, यहां पे ऊपर से पेबल डाल दिया गया, ड्रॉप किया गया फ्रीली, तो इनिशियल स्पीड 0, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने देर बाद सुनाई दिया 20 सेकेंड, अच्छा नहीं 20 सेकेंड लगा फॉर पेबल टू रीच द वाटर सरफेस, 20 सेकेंड लगा नीचे पहुंचने में सिर्फ। तो यहां पे डेप्थ कैसे निकलेगा, डेप्थ यानी कि एच हाइट ही निकालनी है कुएं की, हाफ जी टी स्क्वायर है ना, इनिशियल स्पीड 0 है तो यानी 1/2 इंटू 10 लेना था जी की वैल्यू, टी स्क्वायर यानी 20 इंटू 20, 2 1s 2 10s, कितना आ जा रहा है 2000 मीटर, इतना नीचे गया वो। तो पहली चीज तो 20 सेकेंड लग गए इसको पहुंचने में है ना, तो वापस आने में तो वहां से फिर साउंड वापस आया हम, तो टाइम कितना लगेगा व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर पेबल इज ड्रॉप्ड, जब हमने ऊपर से पेबल गिराया तो उसके कितनी देर बाद इको हर्ड होगा, तो पहली चीज 20 सेकेंड टू रीच वाटर सरफेस
प्लस टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच सरफेस। ठीक है, यही होना चाहिए ना। तो 20 सेकेंड लगा पेबल को नीचे पहुंचने में, और टाइम कितना लगेगा साउंड को रीच करने पे सरफेस में, 2000 मीटर नीचे पेबल आवाज किया किसके साथ, पानी के साथ, और स्पीड कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, ये 6.1 आएगा। तो 20 सेकेंड प्लस 6.1 सेकेंड, यानी टोटल 26.1 सेकेंड के बाद इको हर्ट होगा। मतलब पहले पेबल कहाँ जा रहा, नीचे जा रहा, तो 20 सेकेंड तो ऐसे ही नीचे जाने के लिए इंतजार करेंगे। फिर 2000 मीटर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, 6.1 सेकेंड लगेगा। यहां पे जो आवाज हुई सरफेस के साथ टकराने वाली, ये आवाज को ऊपर पहुंचने में 6.1 सेकेंड लगेगा। तो 20 सेकेंड पहले ही गुजर चुका, 6.1 सेकेंड और लगेगा इको को ऊपर पहुंचने में, और तब हमको सुनाई देगा वो आवाज। क्वेश्चन नंबर 20, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ऊपर फेंका जा रहा है टावर के, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। बॉल 5 सेकेंड बाद गिरती है। ओ भाई देखो, ऐसा है ना केस कि ये टावर है और टावर पे यहां बॉल फेंका गया और ये बॉल ऐसे, ये ऐसे नीचे आई है ना, 5 सेकेंड लगा ये ग्राउंड को टच करने में। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया टावर से, इनिशियल स्पीड यहां पे कितनी थी, U इज इक्वल टू 19.6 था। हाँ, बॉल ग्राउंड पे पहुंची है कितने टाइम बाद, पूरे 5 सेकंड के बाद बॉल नीचे पहुंची है। कैलकुलेट करना है यहां पे आपको हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालो और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। बॉल जब नीचे जमीन पे पहुंचा है ना, तो कितना टाइम लगा है। अब यहां पे एक चीज बहुत मायने रखती है, जो पहले ही से समझ लो कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ये तो आपको मालूम है, लेकिन यार यहां पे काम करेगी, यहां से लेके यहां तक का अलग ही डिस्टेंस है और इसको फेंका यहां से जा रहा है, इस हाइट के बाद फेंका जा रहा है। देखो यहां पे जब ये बंदा बॉल को फेंका तो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 19.6। ये बॉल एक मैक्सिमम हाइट को एक्वायर की होगी और फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे आई होगी, जीरो पे आई होगी, और इसको ये ऊपर फेंका है ना, इस टावर पर से। तो जब ऊपर की तरफ फेंका है तो जी कैसा लग रहा होगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लग रहा होगा। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं टाइम कितना लगा ऊपर जाने में। तो टाइम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा के टाइम निकालेंगे, है ना। तो v कितना है, जीरो, u कितना है 19.6, प्लस g माइनस में होगा 10, और टाइम हमको नहीं पता। माइनस का 19.6 और एक मिनट, जी की वैल्यू 10 नहीं 9.8 लेनी है, 9.8 लेनी है। तो 19.6 इज इक्वल टू माइनस का 9.8 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 19.6 अपॉन में माइनस का 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 2 सेकेंड। देखो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, ये 2 सेकेंड तक यहां ऊपर में रहा, टोटल टाइम लगा है 5 सेकेंड ग्राउंड पे आने में। ठीक है, टोटल टाइम टू रीच
ग्राउंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट यहां पे कितना है जब ऊपर चढ़ा है, नाम दे दो यहां पे ए बी और ये फिर सी। तो टाइम ऑफ एसेंट यानी ए टू बी जाने में कितना लगा, 2 सेकेंड। तो देयर फोर टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम बी टू सी आने में, नीचे आने में जब 2 सेकेंड यहां लग चुका है तो बचे हुए 3 सेकेंड यहां लगेंगे नीचे की तरफ आने में। ठीक है, यहां नीचे आने में कितना लगेगा अब, 3 सेकेंड। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये समझ में आ गया। अभी आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहां पे दो डिस्टेंस है, एक तो ए से लेके बी तक है और फिर यही जो बी है बी से लेके सी तक है। और टावर की हाइट कहां आ रही है, ए से लेकर यहां सी तक आ रही है टावर की हाइट। तो पहले हम निकालेंगे ए बी हाइट। हाइट ए बी जो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी इनिशियल स्पीड 19.6, प्लस हाफ जी की वैल्यू माइनस का 9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 लगा देंगे। कितना आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यू इंटू टी यानी 2 यहां था, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। 19.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 39.2 माइनस 9.8 इंटू 2 19.6 कितना आ जाएगा, ये 19.6 मीटर। कितना डिस्टेंस आ रहा है ये ए से बी तक का, ये आ रहा है आपका 19.6 यहां से लेके यहां तक का सिर्फ। अभी भी आपको हाइट ऑफ टावर नहीं मिला, हाइट ऑफ टावर के लिए आपको बी से सी तक में से ए बी माइनस करना होगा क्योंकि ए सी है हाइट ऑफ टावर। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे या कह सकते हो आप हाइट निकालेंगे बी सी, बी टू सी निकालेंगे। अब बी टू सी वाले में देखो यहां पे फ्री फॉल हो रहा है, बी टू सी वाले में देखो यहां मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, बी टू सी ये रहा आपका इनिशियली 0, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी से हमको मतलब नहीं, टाइम 3 सेकेंड लेगा ये नीचे को आने में। जी कैसे लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। हाइट कैसे निकलेगी यहां पे, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से निकलेगी। तो हाफ जी की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 2 1 जा 2 4.9 जा कितना आ रहा, 3 3 जा 9 9 4 जा 36 कितना आएगा, 44.1 मीटर। हाइट ऑफ टावर क्या है भाई, एसी है ना, देखो ध्यान से डायग्राम में, ए से लेके यहां सी, यहां पे वही सी तक है। तो क्या करेंगे, बीसी में से ए बी माइनस कर देंगे, बीसी में से ए बी माइनस करेंगे। बीसी कितना है आपका, 44.1 मीटर माइनस आपका ए बी कितना है, 19.6 इज इक्वल टू हाउ मच, 24.5 मीटर। ये आई एक्चुअली में आपका हाइट आया टावर का। अब वेलोसिटी निकालना था ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड, यही वाला डायग्राम अभी काम करेगा, यही वाला देखो कैसे, v इज इक्वल टू कितना है, u प्लस जी टी होता है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ, दिख रहा है 0 से स्टार्ट हुआ, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और टाइम कितना लगा नीचे आने में, 3।
9.8 इंटू 3 यानी कि 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।